अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मेरे चैनल में आपको खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर हमारे पास कोई डिवाइस हो, कोई सर्किट कार्ड हो, कोई बोर्ड हो, कोई भी सर्किट कार्ड किसी ऐसी चीज़ का है जिसकी हमारे पास कोई डायग्राम नहीं है, तो हम किस तरीके से उसकी डायग्राम देख सकते हैं। ये वीडियो बनाने का मकसद, मेरे टेलीग्राम अकाउंट पर मेरे एक देखने वाले ने ये कॉमेंट किया है, आई थिंक ये नाइजीरिया का कोड है, उन्होंने मैसेज किया है, साथ में मुझे ये तस्वीर भेजी है इस बोर्ड की, और उन्होंने कहा है कि जी इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर दें, इसका फंक्शन समझा दें कि ये कैसे काम करता है। किसी भी बोर्ड की डायग्राम देखने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है? जो पहली रिक्वायरमेंट हमारी होती है कि आपके पास जो असम्बली है, बिलफर्ज एक LED TV है मिसाल के तौर पर, आप उसके बैक साइड पे जहाँ पे उसके मॉडल नंबर की ID प्लेट लगी होती है उसको देखिए कि उस पर TV का मॉडल नंबर क्या है। अगर आप AC के बोर्ड की बात करते हैं तो सबसे पहले जो AC का आउटडोर यूनिट है उसके बाहर जो उसका स्टिकर है, मॉडल नंबर है, वहाँ पे मॉडल नंबर देख लीजिए। अगर इंडोर का देखना है तो इंडोर को उस पर भी एक स्टिकर प्लेट लगी हुई होती है, वहाँ पर उसका नंबर देख लीजिए, मॉडल नंबर क्या है। या अगर आपके पास वो स्टिकर प्लेट नहीं है तो बोर्ड के ऊपर एक इस तरह से जैसे ये नंबर लिखा हुआ है DH4520 या EAX6452542, अगर ये इस तरह करके नंबर लिखा होगा आपको, ये नंबर DH4520 और EAX6452542 ये इस बोर्ड का नंबर है, आप इसी तरीके से उसको ढूंढ सकते हैं। एक होता है सफ़ेद रंग का स्टिकर इस तरह से, बाज़ औकात उससे भी कुछ डाटा मिल सकता है, एक्चुअली ये सप्लायर कोड होता है या बाज़ औकात ये सॉफ्टवेयर कोड होता है। जो बोर्ड के ऊपर नंबर प्रिंट होगा आपने वो देखना है, उस नंबर को देख लीजिए। मोस्ट ऑफ द टाइम होता क्या है कि अगर टीवी की बात करते हैं या LED TV, LCD TV, तो एक ही बोर्ड हो सकता है 10-15-20 किस्म के मॉडल्स जो हैं उनमें इस्तेमाल हो रहा है। मे बी सेम मॉडल वही LG में लगा हुआ है, वही पैनासोनिक में लगा हुआ है, वही कैनवोड में लगा हुआ है, वही हो सकता है कि किसी और JVC में लगा होगा, लेकिन हर एक के अंदर थोड़ी बहुत कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगी। अगर ये DH4520 है तो इसके साथ 0102 कुछ भी इस तरह लिखा रहेगा, यानी ये बनाने वाला, ये किसी ने एक बोर्ड असम्बल किया और आगे जो उस असम्बली को कन्फिगर कर रहे हैं, जो कि बिल्फर्स एक कैनवोड का TV है, एक JVC का है, वेस्टल का है, तो हर एक ने हो सकता है यही बोर्ड ख़रीदा मार्केट से उठा के, तो अपने जो उसका प्रोसेसर बोर्ड है, वीडियो बोर्ड है, उसके साथ लगा दिया। तो आपको ये नंबर देखना है। चले इसको स्टार्ट करते हैं। अगर आप कंप्यूटर यूज़र हैं तो वहाँ पे क्रोम ब्राउज़र खोल लीजिए, या अपने मोबाइल से भी आप खोल सकते हैं। तो यहाँ पर सर्च बार पर DH4520 ये लिख दीजिए। ये जो मॉडल नंबर हमने यहां पे लोकेट किया था, पहले हम इसको देख लेते हैं, इसको 4520। यहां पे लिखेंगे आप सर्विस मैनुअल। जितनी भी ये कंपनीज होती हैं जो कि OEM होते हैं, अच्छे मैन्युफैक्चरर होते हैं, अच्छी कंपनी वाले, वो सर्विस मैनुअल पब्लिक कर देते हैं, तो आप उसको बड़ी आसानी से, अगर वो नेट पे अवेलेबल है तो आप उसको ढूंढ सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो यहां पर देखिए, ये उसने कहा है DH4220 सर्विस मैनुअल फ्री। अभी जो मैंने बात की थी कि आपने क्या करना है कि जो बाहर स्टिकर लगा होगा आपने वो स्टिकर देखना है, तो इस असेंबली का वो मॉडल नंबर यानी DH4220S ये उसका बाहर वाली असेंबली का नंबर होगा, और ये नेट आपको यहाँ पर इसका ये सर्विस मैनुअल है, इसको आप ओपन कर लीजिए। एक मैंने ये ओपन कर लिया, इसके बाद दूसरी साइट हम ये देख लेते हैं। यहाँ पर ये लिखा हुआ है DH4220, इसको भी मैं ओपन कर लेता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है तीसरी साइट, ये मैनुअल मशीन है, इसको भी ओपन कर लेते हैं। और इसके आगे है DH4530, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि सेम मॉडल नंबर, ये डिफरेंट जैसे मैं बात कर रहा था, हो सकता है सेम मॉडल नंबर इसके अंदर भी यूज़ हो रहा हो। अभी हमने ये तीनों साइट्स ओपन कर ली हैं, इनको भी बारी बारी ये ऊपर अलग अलग टैब में मैंने खोली हैं। तो सबसे पहली साइट को देखिए, वो कहता है LG DH4220 जो है
इसका जो सर्विस मैनुअल है वो कहता है ये डाउनलोड कर लें, प्रीव्यू करना है प्रीव्यू कर लें, और नीचे यहाँ पर ये देखिए लिंक है। अगर तो ऑनलाइन आपने कंप्यूटर पे देखना है तो ठीक है, अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस बटन को क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर ये आपको कहता है कि ये डॉक्यूमेंट जो है ये अगर यूजफुल है तो हमें सपोर्ट कर दीजिए। ये आपसे उसकी पेमेंट नहीं मांग रहा, बल्कि ये कहता है डोनेशन देना चाहते हो, अगर आपका जी चाहता है तो आप इसको कुछ भी अपनी मर्जी से अगर कोई पैसे भेजना चाहते हैं तो यहाँ से वीज़ा कार्ड है, मास्टर कार्ड है, कुछ ना कुछ अगर देना चाहे तो ठीक है, वरना हमारी ये फाइल बगैर कुछ किए हुए ये डाउनलोड हो रही है। और साथ में हम दूसरे पेज को देख लेते हैं। यहाँ पर ये कहता है DH 4220 6452 5502, जो कि हमारा ये नंबर है इसके ऊपर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि हम सही जगह पे पहुँचे हैं। यानी ये जो मॉडल है DH 4220 ये एग्जैक्टली परफेक्ट है जो कि हमें चाहिए। तो अभी क्या करेंगे, यहाँ पर ये वो कहता है फाइल टाइप PDF है और इसको डाउनलोड कर लीजिए यहाँ से। अभी ये देखिए ये फाइल भी डाउनलोड होना शुरू होगी, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। अभी तीसरी साइट को देख लेते हैं और यहाँ पर ये स्कीमेटिक के बारे में बताता है कि जी इसकी डायग्राम आपको यहाँ से मिल सकती है, इसको डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर ये बटन है, लेकिन ये कहेगा कि रजिस्टर एंड गेट 5 फॉर फ्री। इसके लिए आपको अपना ईमेल एड्रेस और अपना नाम वगैरह देना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। ये कुछ साइट्स होती हैं जो कि आपसे डाटा मांगती हैं। तो अभी हमारा काम चल गया। अगर आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है तो फिर आप इसको लाजमी बात है रजिस्टर करना पड़ेगा। तो ये प्रोसीजर करते हुए आप किसी भी बोर्ड का डॉक्यूमेंट निकाल सकते हैं। ये हमारे डॉक्यूमेंट डाउनलोड हो चुके हैं दोनों, जो हमने दो साइट्स में से ई सर्विस इन्फो से और electronica-pt.com से डाउनलोड किए हैं। इसको भी यहाँ पर शो ऑल कर लीजिए। शो ऑल किया तो यहाँ पर शो इन फोल्डर कर लेंगे हम, तो ये हमारे पास ये दोनों डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये ओपन हो चुके हैं, डाउनलोड हो चुके हैं, DH 42202 और 03। अब ये देखें इस तरह से हमारे पास ये खुल गया। ये है आई थिंक फ्रेंच लैंग्वेज में है या स्पेनिश में है। ये LG का होम थिएटर सिस्टम है, उसका ये सर्विस मैनुअल है। इसको ऐसे नीचे चलते जाइए, चलते 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 ये यहाँ पर ये इसका पूरा ट्रबल शूटिंग प्रोसीजर बताएगा। और इसके बाद यहाँ पर ये इसकी है रिपेयर की गाइडलाइन है। तो सबसे पहले ये यहाँ पर पावर सप्लाई के लिए आ रहा है कि पावर सप्लाई के लिए अगर ये ऑन नहीं होती, इसको आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांसलेट कर लीजिए। तो ये आपको मुकम्मल प्रोसीजर बताएगा कि आपने कौन कौन सी चीज़ें चेक करनी है। ये आपको मुकम्मल गाइडलाइन और यहाँ पर उसकी लोकेशन बताता जाएगा। ऐसे ही वो ऑप्टोकॉप्लर के ज़रिए फीडबैक और डिफरेंट किस्म के जो वोल्टेज हैं, ये सारी चीज़ें बताने के बाद इस तरह से आपको मुख्तलिफ इसमें जो कंपोनेंट लगे हुए हैं उनकी पूरी डिटेल आती जाएगी, उनकी लोकेशन भी और डिटेल भी। जो हमारी ज़रूरत है यहाँ पर, ये इसका वर्किंग फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम है कि किस तरीके से ये ओवरऑल ये थिएटर सिस्टम काम करता है, होम थिएटर काम करता है। इसके बाद यहाँ पर आ जाती है इसकी डायग्राम बोर्ड वाइज। जो हम ढूंढ रहे थे वो है EAX 6452 5502, जो कि एग्जैक्टली हमारे इस नंबर के साथ EAX 6452 5502 के साथ मैच करती है। तो ये डायग्राम हमें मिल गई, ये वो डायग्राम है। तो इसको अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सप्लेन कर दूंगा कि जी जो हमारे दोस्त की रिक्वायरमेंट है। इस तरीके से आप किसी भी बोर्ड की जो कि आपका रिक्वायर्ड है उसकी डायग्राम आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, अगर वो नेट पे अवेलेबल हो तो। बाज़ कंपनीज़ या बाज़ मैन्युफैक्चरर वो अपना डाटा नहीं देते अपनी डिज़ाइन को अपने तक महदूद रखने के लिए, ताकि अगर ख़राब होता है तो फिर वो बिज़नेस करते हैं, फिर क्या करते हैं कि आपको कहते हैं कि ठीक है जी पेमेंट दो, आपको नया दे देते हैं या रिपेयर के लिए भेजो, तो वो एक लंबी कहानी हो जाती है। लेकिन उसका भी जुगाड़ होता है, उस पर भी इंशाल्लाह टाइम टू टाइम डिस्कस करेंगे कि अगर आपके पास ये भी नहीं मिलता, यानी अगर आपके पास ये कहानी नहीं बनती, आपका ये जुगाड़ नहीं लगता, तो फिर आप क्या करेंगे। तो इंशाल्लाह किसी और वीडियो में इस पर तफसील से कि फिर उसके लिए क्या क्या हल होता है वो फिर करेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए मालूमाती होगी। अगर मालूमाती है तो इसको लाइक कीजिए,
अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकॉन बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बरवक्त मिलती रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको सलामत रखे, अपनी हिफाजत में रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।